नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 9th पेपर से कक्षा प्रबंधन की प्रविधियाँ या टेक्निक को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं कक्षा प्रबंधन की प्रविधियाँ या टेक्निक को। कक्षा का प्रबंधन विशेषज्ञ अध्यापक होता है। वह कक्षा प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार के आव्यूह लागू करता है। अध्यापक विद्यार्थियों के विभिन्न व्यवहार और परिस्थितियों के अनुसार जो है प्रविधियों को लागू करता है। इसे देखें, लयात्मक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रम। सफल कक्षा के लिए शिक्षक के क्रियाकलाप लयात्मक होना आवश्यक है। इससे कक्षा में घटनाओं का क्रम भी सही रहेगा। विद्यार्थी भी कक्षा के क्रियाकलापों को करने के लिए उत्सुक होंगे। इसके लिए अध्यापक को एक नियमित कार्यक्रम बनाना चाहिए, जिससे कक्षा जो है लयात्मक ढंग से चल सके। अगर कक्षा में नियमित कार्यक्रम नहीं होंगे तो कक्षाएं विक्षोभयुक्त और असुरक्षित हो जाएगा। क्रियाकलापों के महत्व तथा आवश्यकता एवं उद्देश्यों की दृष्टि से अनियोजित क्रियाकलाप भी करवाए जा सकते हैं, परंतु कक्षा से बाहर करवाए जाने वाले क्रियाकलापों में जो है लयात्मकता होनी चाहिए। कक्षा संस्कृति और कक्षा की व्यवहार की संहिता। अध्यापक को चाहिए कि वह परंपराओं, रीति रिवाजों तथा मूल्यों के द्वारा कक्षा संस्कृति का विकास करे, जिससे विद्यार्थी कक्षा में स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। विद्यार्थियों को कक्षा संस्कृति के विकास और उसे पालन करने में अध्यापक जो है सहयोग करता है। इस प्रक्रिया से कक्षा में अनुशासन बढ़ता है। अध्यापक को विभिन्न क्षेत्रों के साथ जो है कक्षा एकता की धारणा का विकास करना चाहिए, तथा विद्यार्थियों में सुरक्षा की भावना का जो है विकास हो तथा अपने व्यक्तित्व को पहचान सके। इसमें अध्यापक को सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार अध्यापक हर विद्यार्थी को उसके साथियों के अधीन नहीं बनाकर उसे उनका प्रतियोगी बनाता है। नियमित कार्यक्रम वाली तथा सुरक्षित कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए थोड़ी सी असुरक्षा का भी मिलावट होना चाहिए। शिक्षा मूल्यों को समझने के लिए एक चुनौती भी होनी चाहिए। अध्यापक का ध्यान तथा शिक्षण। अध्यापक का ध्यान से विद्यार्थी को जो है प्रभाव पड़ता है, और विद्यार्थी के व्यवहारों पर अध्यापक का ध्यान से आधारभूत प्रभाव होता है। अध्यापक की मुस्कुराहट, प्रोत्साहन के शब्दों, प्रशंसा, मूल्यांकन तथा शांत स्वभाव का विद्यार्थी के व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सही से अध्यापक को विद्यार्थी पर ध्यान देने से विद्यार्थी के सामाजिक तथा शैक्षिक व्यवहार विकसित भी होता है और वह बदल भी सकता है। किसी भी बालक के व्यवहार में परिवर्तन तुरंत जो है नहीं होता, क्योंकि व्यवहार परिवर्तन में जो है समय लगता है। यह क्रिया धीमी होती है। व्यवहार परिवर्तन के लिए अध्यापक को पुनर्वलन तथा पृष्ठपोषण प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। उनके व्यवहारों को आलोचना करने से व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, अपितु बुरे व्यवहारों पर जो है दंड नहीं देकर अच्छे व्यवहारों की तुरंत प्रशंसा की जानी चाहिए। व्यवहार परिवर्तन के लिए जो है यह अधिक प्रभावशाली होगा। कक्षा का सामाजिक तथा भावात्मक वातावरण। अध्यापक कक्षा को नियंत्रण करते हुए अपनी शाब्दिक अंतःक्रिया, सामाजिक तथा भावात्मक वातावरण का निर्माण करता है। शिक्षक का विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से छात्र उस विषय में अधिक रुचि लेते हैं। सख्ती के व्यवहार से उन्हें पढ़ाने से भय उत्पन्न होता है, जिससे वे पढ़ाई से कतराते हैं। पिछड़े हुए बालकों, अधिगम बाधित बालकों, मानसिक रूप से बाधित बालकों को अध्यापक की जो है विशेष सहानुभूति की आवश्यकता होती है। स्व प्रबंधन तथा कक्षा का वातावरण। शिक्षण संस्थान में अध्यापक एक प्रभावशाली घटक होता है। अध्यापक तथा विद्यार्थी का स्वनिर्देशन की दिशा में मार्गदर्शन
करता है। अध्यापक अपनी कार्य कुशलता तथा व्यवहार से छात्रों के कल्याण हेतु शिक्षण क्षेत्र में कक्षा का वातावरण तैयार करता है। वह विद्यार्थी की शिक्षक पर कारक तथा अन्य साथियों पर जो है निर्भरता को कम करता है। छात्रों की भागीदारी, छात्रों में जो असंतोष और असंतुष्टि उत्पन्न होता है उसे सृजनात्मक का रूप देने के लिए महाविद्यालय द्वारा क्रियात्मक कार्य लागू कर सकते हैं। विद्यार्थी दैनिक क्रियाकलापों में संबंध रहेंगे तो विद्यालय की व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करेंगे और महाविद्यालय की व्यवस्था को जो है तोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे। कक्षा प्रबंधन की कुछ सहायक प्रविधि है, इसके अंतर्गत जो है प्रयोगशाला परीक्षण, क्षेत्रीय कार्य, पुस्तकालय में अध्ययन, शैक्षिक भ्रमण, गृह कार्य, स्वतः अध्ययन या तुलना, शिक्षण उपचार्थ हेतु अनुवर्ग शिक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान तथा मार्गदर्शक सेवाएं। तो ये था कक्षा प्रबंधन की प्रविधियां। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।